हो गई थी, इसका गियर काम करना छोड़ दिया, तो अभी रिकवरी वाला आया, इसको लेके जाएंगे मसाफा। जुम्मा है छुट्टी है, लेकिन गैराज वाले को फ़ोन किया उधर, छोड़ देंगे उसको, कल कल वो आएगा, तो देखते हैं मसाफा जाते हैं। गाड़ी गैराज में चोरी है, तो चेक करने के बाद बोल रहा है कि उसके गियर में मसला है, तो अभी आए हैं उसके लिए गियर ढूंढ रहे हैं, पूरा गियर ख़रीद रहे हैं। एक दो जगह पे बात की, लेकिन एक आदमी के पास है, वो बहुत महंगा बोल रहा है, 4,000 दरहम में बोल रहा है फिटिंग के साथ, साल अल्टिमा का 2013-14 में। तो अभी एक आदमी ने बताया कि दूसरी जगह पर भी है, उधर जाके चेक करते हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगा तो अच्छा है। आज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में, तो उधर गैराज में लेके जाने के बाद पता चला कि उसका तो गियर, जो ऑटोमेटिक गियर है, वो ख़राब है, क्यों वो चलते चलते रोड पे उधर सिग्नल पे रुक गई थी। तो बाद में तो मैंने उसको रिकवरी में मैं लेके गया उधर मुसफ़ा, लेकिन दो तीन गैराज में जाने के बाद पता चला उसका तो गियर ख़राब है और गियर मिलता नहीं है, और 2013 मॉडल में कम थी आता है वो वाला। तो अभी तो उसको और बेचने का इरादा किया है, इंशाल्लाह बेच रहे हैं, क्योंकि उसका वो अभी तकरीबन 5 लाख किलोमीटर चला, और इधर यूएई में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ 3-4 लाख चलती हैं, फिर बाद में उसकी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, तो इस वजह से लोग ज़्यादा नहीं चलाते गाड़ी को। तो अभी हमने भी फैसला किया है कि उसको बेच देंगे इंशाल्लाह। और देखा अभी मुसफ़ा में भी देखा, हर जगह देखा, लेकिन उसका वो नहीं मिल रहा, गियर मिल रहा है लेकिन बहुत महंगा है, तो उसके लिए अभी उसको स्क्रैप ही में बेचेंगे, बाकी तो और उसको कोई लेगा नहीं, क्योंकि गियर उसका ख़राब है। तो अभी दो तीन काम हो रहे हैं, तो वो निपटा के इंशाल्लाह फिर उसको शायद उधर ही गैराज में बेच दें या स्क्रैप में लेके चले इंशाल्लाह।